हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो बढ़ाते हैं पिछले पार्ट से अपनी कहानी को आगे। विंसेंजो कैस्कार्लियो के हाथ लग गया था फिलोसोफर स्टोन, जिसे हम पारस पत्थर भी कहते हैं। वही पारस पत्थर जिससे किस्से कहानियों में चीजों को सोना बनाया करते थे। और अपने केमिस्ट्री के एक्सपर्ट ने कर डाले दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट इस पर और लगा डाली सारी केमिस्ट्री। पहले झोंका इसको भट्टी में, फिर बजाए इस पर दे दनादन हथौड़े। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? और अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, बाबूजी इसमें से सोना निकालना चाहते थे क्योंकि इसका रंग ही था सोने के जैसा। लेकिन अपना पत्थर निकला बड़ा मजबूत और ना लगा अपने वैज्ञानिक को कुछ भी हाथ, तो तंग आकर फेंक दिया उन्होंने इसे घर के बाहर, जहां पड़ा रहा ये एक दिन पूरा वहीं। लेकिन हुई जब रात, तो शुरू कर दिया इसने अपना चमत्कार, यानी चमकना शुरू। अब इसके चमकने की कहानी नहीं खुली अगले 400 साल तक, लेकिन आज हमें इसके चमकने का राज पता है। ये अपने अंदर की इम्प्योरिटी के कारण रोशनी को कर लेता है एब्जॉर्ब और अंधेरा होने पर छोड़ना शुरू करता है उसे वापस। इसी खासियत की वजह से था ये इतना खास, और यही था दुनिया का पहला ल्यूमिनोसेंट मटेरियल। मैं इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो मिल जाएगी आपको गुगली बाबा पर। बाबा के पास सभी सवालों के जवाब हैं। इसके बाद 1638 में एंट्री होती है एक बाहुबली वैज्ञानिक की, यानी रेने डेस्क्रेत, जिन्होंने दिखाया दुनिया को नया रास्ता और बताया लाइट को ट्रेवल करने के लिए चाहिए एक मीडियम, जिसको नाम दिया गया ईथर का। और यही है वो खुरापाती वैज्ञानिक जिन्होंने ईथर के बारे में बताया था। अब जिन्हें ईथर के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता, जैसे हर वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ऐसे ही लाइट को ट्रेवल करने के लिए भी एक मीडियम की आवश्यकता थी, जो थी एक गलत जानकारी, जिसको गलत प्रूव किया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने। और इसकी पूरी जानकारी रिलेटिविटी सीरीज की वीडियो में मैंने पहले से ही दे रखी है, अगर रिलेटिविटी में इंटरेस्ट है तो जाकर वहां पर देख लेना। रेने डेकार्त ने फिजिक्स में ही नहीं बल्कि मैथ्स में भी बड़ा धमाका किया था। इन्होंने बनाई कार्टेशियन यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री जिसमें ग्राफ का इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अननोन चीजों को एक्स वाई मानकर सॉल्व करने का भी जुगाड़ इन्होंने ही बनाया था। इसके अलावा नंबर्स की पावर को सुपरस्क्रिप्ट यानी छोटा करके उनके माथे पे चिपकाने का काम भी इन्होंने ही शुरू किया था। अगर इनके बारे में और जानना है तो इनकी स्पिनिंग वोर्टेक्स थ्योरी पढ़ लो, मजा आ जाएगा। मतलब कतई जहर थ्योरी बना डाली है इनके द्वारा दी गई थ्योरी के दम पर ही। यूलर और बर्नौली, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। अरे ये वही दोनों हैं जो 11वीं-12वीं में बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने का पूरा पक्का इंतजाम करके गए हैं। तो रेने डेकार्त की स्पिनिंग वोर्टेक्स की थ्योरी के दम पर ही यूलर और बर्नौली फ्रेंच एकेडमी का प्राइज ले उड़े। फिर एंट्री हुई गैलीलियो की, जिन्होंने कर डाला दुनिया का पहला लाइट की स्पीड को मेजर करने वाला एक्सपेरिमेंट। पर आखिर गैलीलियो के द्वारा बनाया गया लाइट की स्पीड को मेजरमेंट करने वाला जुगाड़ था क्या और कैसे काम करता था? सबसे पहले गैलीलियो को चाहिए था एक लाइट सोर्स, जिसके लिए उन्होंने किया इस्तेमाल लालटेन का। उसके बाद चाहिए था उन्हें समय नापने का एक जुगाड़, यानी समय सूचक यंत्र, जो वो पहले ही बना चुके थे, यानी पेंडुलम क्लॉक। अब करके इकट्ठा अपने चेले चंटारों की बारात को, चढ़ गए गैलीलियो एक पहाड़ पर और दूर भेजा अपने एक चेले को, वो भी दूसरे पहाड़ पर, और फिर खोला उन्होंने लालटेन का शटर और शुरू कर दिया अपना परीक्षण। लेकिन हाथ ना लगा कुछ भी, क्योंकि लाइट की रफ्तार थी बहुत तेज, जो ना आई ढंग से पकड़ में। पर हिम्मत देखो आप इस वैज्ञानिक की, इतने कम संसाधनों के साथ भी बंदा भिड़ गया समस्या से। इसके बाद एंट्री हुई ऑटो वैन गुएरिका की, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जुगाड़ बनाया था। बट कमाल ये नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी बात ये थी कि इन्होंने विज्ञान को सीरियस लेना ही 46 साल की उम्र में किया था। आओ बताता हूँ इनके द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कुछ बड़े धमाकों के बारे में। इन्होंने सबसे पहले बनाया एक वैक्यूम पंप, लेकिन उससे भी जरूरी बात ये है कि ये वैक्यूम पंप बनाना क्यों चाहते थे, और इसके पीछे का कारण सच में हैरान कर देने वाला है। जब मैंने पढ़ा इनके बारे में तो थोड़ी देर के लिए मैं भी पड़ गया था सोच में कि इतनी खुली सोच और उसे साबित करने के लिए इतनी सारी हिम्मत किसी साधारण मनुष्य में तो नहीं हो सकती। गुरेका को ये तो पता था कि स्पेस खाली है, पर इस खाली स्पेस में ग्रह और तारे काम कैसे करते हैं, ये जानने के लिए ये बनाना चाहते थे उसका एक मॉडल, वो भी अपनी लैब के अंदर, जिसके लिए चाहते थे ये एक ऐसा जुगाड़ जो हटा सके हवा को। अब इसे बोल
बोलते हैं मैन विद नो लिमिट्स। अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, मतलब गजब ही दिमाग था इनका। अब वैक्यूम पंप बनाने के लिए इन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया एक पिचकारी का, जिसे इस तरह से डिजाइन किया कि हवा खींचने पर ड्रम से हवा बाहर तो आए पर पिस्टन को दबाने पर हवा उसमें वापस न जाए। बिल्कुल यही जुगाड़ आपकी कार, बाइक या साइकिल के टायर में एयर वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पर फिर भी बन ना पाया वैक्यूम और आ गई एक नई समस्या। ड्रम बना था लकड़ी का तो हवा कहीं ना कहीं से उसमें घुस ही जाती थी। फिर लिया इन्होंने कॉपर का सहारा और बना डाला उसका एक ड्रम और करा अपना प्रयोग दोबारा और लग गई इस बार कामयाबी हाथ। इन्होंने पाया कि जिस बर्तन से इन्होंने हवा को निकाला उसका वजन हो गया था पहले से कम। अब यहाँ से ये पता चला कि हवा में होता है काफी वजन और यहाँ से ये भी पता चला कि अगर हवा के पास वजन है तो ये जरूर लगाती होगी चीजों पर दबाव, यानी जन्म हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट का। अब इस बात को साबित करने के लिए लिए इन्होंने तांबे के दो कटोरे और चमड़े और मोम की सहायता से चिपका दिया उन्हें एक दूसरे पर और निकाल दी अपने पंप की सहायता से इसके अंदर की सारी हवा। अब क्योंकि कटोरे के अंदर हो गया था बाहर से प्रेशर कम तो बाहर की हवा लगा रही थी उन कटोरों पे जबरदस्त दबाव, इतना दबाव कि चार आदमी भी इन्हें अलग नहीं कर पा रहे थे। और इस तरह से साबित हुआ कि हवा अपने आसपास की चीजों पर जबरदस्त दबाव डालती है। फिर एक तराजू और वजन की सहायता से निकाला इन्होंने उस फोर्स को जो उन दोनों तांबों के कटोरों को अलग कर सकती थी और बन गया अपना वैज्ञानिक महान। चलो जान लो एक और जरूरी बात, ये महान वैज्ञानिक जर्मनी का पहला एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट था, यानी वो वैज्ञानिक जिन्होंने प्रैक्टिकल करके दुनिया को नए नए रास्ते दिए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये भी साबित किया कि एयर प्रेशर की सहायता से चीजों को फेंका जा सकता है, यानी भविष्य की गन, और वैक्यूम की सहायता से चीजों को खींचा जा सकता है, यानी आने वाले थे भविष्य के स्टीम इंजन। इनके वैज्ञानिक प्रयोगों ने दुनिया की तरक्की का जुगाड़ तैयार कर दिया था, इतना महान था ये वैज्ञानिक। अब इनके जनरेटर को भी देख लो, इन्होंने सल्फर की एक गेंद को घुमाकर रगड़ा अपने हाथों से जिससे पैदा हुआ फ्रिक्शन और बना स्टैटिक चार्ज जिसने चमकाया इस गेंद को अंधेरे में। यानी ये बने दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने देखा इलेक्ट्रोलुमिनोसेंस को और दे दिया विज्ञान को एक नया रास्ता। अब इस घटना ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बीज तो डाल दिया था, तो जब वीडियो में इतना आगे आ ही गए हो तो चलो जान लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी। ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर के साथ रिलेट करके देखा जाता है, पर कमाल की बात है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ने इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में पूरी इज्जत दिलाई है। इंसुलेटर्स ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके ऊपर क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बनाया गया है। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, तो एक जगह रुके हुए चार्ज को स्टैटिक चार्ज और उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ एक और सवाल जन्म लेता है, कंडक्टर्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंडक्टर्स में चार्ज एक जगह रुक नहीं सकता और क्योंकि उनमें चार्ज एक जगह रुकेगा नहीं तो उसे स्टैटिक कैसे बोल दे, इसीलिए तो वो कंडक्टर है। अब आता है दूसरा सवाल कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसके हैं तीन तरीके, पहला फ्रिक्शन, दूसरा सेपरेशन और तीसरा इंडक्शन। आज की वीडियो के लिए सिर्फ फ्रिक्शन के ऊपर ही बात करते हैं। जब दो इंसुलेटर्स को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उनकी सरफेस पर बैठे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं जिसके कारण उनका नेट चार्ज जीरो नहीं रहता। अब ये नेट चार्ज क्या चीज है और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बात हमें कैसे पता चली? तो पहले समझते हैं नेट चार्ज को। किसी भी इंसुलेटर में अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन अगर बराबर संख्या में है तो उसका नेट चार्ज जीरो होगा, लेकिन अगर एक की भी संख्या ऊपर नीचे हुई तो नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। अब किसी मटेरियल को पॉजिटिव चार्ज देने के लिए उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे जो कि फ्रिक्शन से बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज देने के लिए भी फ्रिक्शन ही काम आएगा। लेकिन कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन देगा या निकालेगा ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए पहले से ही ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बनाई हुई है। इस सीरीज के पॉजिटिव साइड में आने वाले सारे के सारे मटेरियल फ्रिक्शन के बाद पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और इसके नेगेटिव साइड में आने वाले सभी मटेरियल फ्रिक्शन के बाद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये सीरीज बनाई किसने है? तो ये सीरीज एक्सपेरिमेंट कर करके तैयार की गई है ताकि हमें पहले से ही पता हो कि किस मटेरियल को किस मटेरियल के साथ रगड़ने पर कौन सा चार्ज आएगा, और इस तरह से बचेगा हमारा बहुत सारा समय। उलझने बढ़ती जाए तो झेलते रहो, वक्त उतार दे अगर मैदान में तो खेलते रहो, लोग कहेंगे तुमको पागल बस सुनते रहो, दबा कर लोगों की बातें मन में अपने सपने बुनते रहो। जिस दिन बदल जाएगा तुम्हारा वक्त सबका विश्वास बदलेगा, और जो था कभी लोगों के लिए पागल अब वो इतिहास बदलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद जय भारत।